बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू टीचर पर खुशामदीद। इस YouTube चैनल पर हमारी कोशिश होती है कि आप तक मुफीद मालूमाती वीडियोस बहुम पहुंचाते रहें, और इसलिए हम हमेशा आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हमारी वीडियोस बाकायदगी से पहुंचती रहें। ख्वातीन हजरात, हमारी कोशिश होती है कि हम रोज आपके हुजूर कुछ न कुछ नया जरूर पेश करते रहें, और घरेलू टोटकों, तिब्बी नुस्खों और हेल्थ केयर टिप्स पर मुश्तमिल जो सिलसिला हमने शुरू किया था, उसको आपने निहायत पसंदीदगी की निगाह से देखा है, और आपके पैगामात इस बात के गवाह हैं कि आप इस सिलसिले को न सिर्फ सराहते हैं बल्कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। इसी सिलसिले में मालूमाती वीडियोस में मजीद इजाफा करते हुए हम आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि फ्रिज में गुंदा हुआ आटा, जिसकी रोटी खाने से आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, और हम अपनी तमाम बहनों को आज की वीडियो में ये बताएंगे कि क्यों फ्रिज में रखा गुंदा हुआ आटा खतरनाक साबित हो सकता है। फौतिन हजरात, बड़े सगीर में तकरीबन तमाम घरानों में खाने के दौरान रोटी को खास तौर पर शामिल किया जाता है। दिन हो या रात हो, घर की औरतें गर्म गर्म रोटी खाने के साथ पेश करती हैं। इसके लिए कभी कभार औरतें आटे को पहले ही से गूंद कर रख लेती हैं, ताकि जब रोटी बनानी हो तो आटा गूंदने की झंझट ना रहे और ज्यादा देर ना लगे। दोस्तों, अक्सर औरतों का वतीरा ये है कि वो आटा गूंद कर फ्रिज में रख देती हैं, या फिर रोटी बनाने के बाद जो आटा बच जाता है उसे किसी बर्तन में रख के फ्रिज में रख दिया जाता है, ताकि रात के वक्त या अगले दिन रोटी बनाने के लिए दोबारा आटा गूंदने की जहमत न की जाए। और दोस्तों, ऐसा करने वाली खवातीन शायद ये नहीं जानती कि फ्रिज में गूंदा हुआ आटा रखना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ यही आटा मुख्तलिफ बीमारियों को घर में बुलाने का सबब बन जाता है। वैसे हमें अक्सर लगता है कि घर वालों की आदत होती है कि वो आटा बच जाने पर उसे फ्रिज में रख दें, ताकि बाद में इस्तेमाल हो जाए, मगर बाज़ औक़ात इसमें सुस्ती का अमल दखल आ जाता है। यानी लोग दो दो दिन का आटा गूंद कर ढेर सारा आटा फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, ताकि बार बार इस प्रैक्टिस से गुजरना ना पड़े। लेकिन क्या ऐसा करना सेहतमंद होता है? माहिरीन के मुताबिक आटा गूंदते ही फौरी तौर पर इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वरना इसमें ऐसे कीमियाई बदलाव आते हैं जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। आयुर्वेदिक में भी वाजे कहा गया है कि फ्रिज में आटा ना रखें, क्योंकि इसके खमीरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर उसमें बैक्टीरियाज पैदा हो सकते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। कोशिश करें कि जितनी रोटियां बनानी हो उतना ही आटा गूंदा जाए, ताकि उसको स्टोर कर ना किया जाए। कुछ ही दिनों में ऐसी आदत आतो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी कि जितनी रोटियां लगती हैं उतना ही आटा गूंदा जाएगा, और वो बचेगा भी नहीं, चुनाचे उसको स्टोर करने की जहमत नहीं करनी पड़ेगी, और फिर पुराने आटे को खाने से बीमारियों से भी आप बच जाएंगे। खुसूसन आपने देखा होगा कि आजकल शहरों में ये आम चलन हो गया है कि छना हुआ आटा लेकर आया जाता है, यानी उस आटे में से सूजी और दीगर जो सेहत के लिए मुफीद गजाई अज्जा होते हैं वो निकाल लिए जाते हैं, और बाकी सिर्फ और सिर्फ मैदा रह जाता है, और ये मैदा भी गूंदने की थोड़ी देर के बाद बिल्कुल रबर की सूरत अख्तियार कर लेता है। आपने देखा होगा के बाजारी तंदूरों पर जो रोटियां या नान लगते हैं वो ठंडे होने पर बिल्कुल खाने के काबिल नहीं रहते। इससे आप उस गूंदे हुए स्टोर शुदा आटे की क्वालिटी का बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। ख्वातीन हजरात, ये थी हमारी आज की काविश, जिसमें हम आप तक ये पहुंचाना चाहते थे कि आटा हमेशा ताजा गूंदा हुआ खाइए, क्योंकि पुराने गूंदे हुए आटे में कुछ कीमियाई बदलाव ऐसे आ जाते हैं जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं हमारी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, इसे दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे,
और वो तमाम हजरात, वो तमाम ख्वातीन जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं और हमारी वीडियोस बाकायदगी से मौसूल कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।